अरे मालिक, ज्वालामुखी पर्वत पर जाने का आइडिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बोलो, अपनी काली जबान में लगाम दे। जाए जानवरों की चीख सुनकर वहाँ जरूर आएगा और फिर हम ज्वालामुखी में ही उसे राख बना देंगे। चुन चुन के चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। पर मालिक, आजकल तो ये ज्वालामुखी शांत है, इसमें से लावा नहीं निकलता। नो टेंशन, मेरे पास बर्बादी के हथियार हैं। इस समय ज्वालामुखी को फिर से जला दूंगा जानवरों को बचाने के लिए। जय वीरू यहाँ जरूर आएंगे। अपनी जान बचा, भागो यहाँ से, भागो। इस शैतान से प्रिंस जय ही हमें बचा सकते हैं। प्रिंस जय को खबर देनी होगी। चलो चलो चलो। वो, 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 अरे 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 जय, तुमने इसके कंट्रोल चेंज किए हैं क्या? हाँ वीरू, ये लो इसका रिमोट। अब ये रिमोट कंट्रोल हवा बोर्ड है। थैंक यू जय, ये हवा बोर्ड तो पहले से भी ऑसम हो गया है। प्रिंस जय, हमें बाज बादशाह के वार से बचाइए। ये बाज बादशाह अब नहीं बचेगा। ये दोनों कहाँ चले गए? किस नगरी से आए हो बाज बादशाह? पहले हमें परेशान किया, अब जानवरों तक को नहीं छोड़ा। मुझे इतना मत मारो, वरना मुझे और गुस्सा आएगा। अच्छा। जय, इस ज्वालामुखी को बुझाने का कोई तरीका तो होगा, सोचो जय सोचो। हाँ जय दमदार वीरू।
इतनी जल्दी में क्यों हो गंगू? तुम्हारी मंद बुद्धि में कोई चाल आई है क्या? हैं? अरे मालिक, आई तो मेरी बुद्धि में है, पर है आपकी। हाँ? क्या है? एक मछुआरा है, उसका बेटा खो गया है। तो मैं क्या करूं? उसे ढूंढने जाओ। अरे आप नहीं मालिक, प्रिंस जय और वीरू को भेजिए, क्योंकि उसका बेटा खोया है टीकरी टापू में। टीकरी टापू? चुन चुन की चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा। कहाँ है वो, कहाँ है वो? मिलाओ मुझे उससे, मिलाओ मुझे उससे। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रिंस जय से मिलवाता हूँ, वो जरूर तुम्हारे बेटे को वापस लेकर आएंगे। हाँ, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मालिक। टिकरी टापू में तो आज तक कोई नहीं गया, आप कैसे पहुँच गए? ये बात मुझे पता थी, लेकिन मेरे बेटे को नहीं। हाँ? हमें पूरी बात बताओ, आखिर ये सब हुआ कैसे, बताओ। मैं और मेरा बेटा अपनी बोट पे मछली पकड़ते पकड़ते बहुत दूर निकल गए। समंदर की लहरें हमें वापस नहीं आने दे रही थी। पास ही में हमें एक टापू दिखा और मेरे बेटे ने पानी में छलांग लगा दी। बाबू! हमारे बेटे धीरू को वापस ले आइए प्रिंस जय, हम आपके पैर पकड़ते हैं। अरे क्यों नहीं, हमारे प्रिंस जय किसी को भी निराश नहीं जाने देते, वो टीकरी टापू जाकर तुम्हारे बेटे को जरूर वापस लाएंगे। हाँ हाँ, हम आज ही टीकरी टापू के लिए निकलेंगे। धीरू को यही कहीं किनारे पर होना चाहिए। मोती, धीरू की महक ले लो, तुम्हें उसका कुछ पता चल रहा है? मोती रुको, यहाँ बहुत खतरा है। मोती रुको, लगता है मोती को उसकी स्ट्रॉन्ग महक मिल रही है। मोती संभल कर। यहाँ कितनी बड़ी चींटियाँ हैं। तभी तो इस रहस्यमयी टिकरी टापू में कोई नहीं आता है वीरू। इन्हें तो नीचे जाकर ही देखता हूँ। अच्छे लग रहे थे, ये नींद का स्प्रे तुम्हारे लिए ही तो लाया था। थैंक यू दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। तुम इन्हें जानते हो जय? पता नहीं, मैं तो नहीं पहचानता इन्हें।
उस पक्षी के बच्चे को मैंने गुफा के बाहर हुकार फूलों से बचाया था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जय और वीरू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, सूर्य नगरी के हर नागरिक की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। प्रिंस जय की जय, वीरू की जय। जय का दिमाग, वीरू का हाथ, मिल जाए साथ तो बन जाए बात। Subscribe to Sony A for more such fun videos.